वी हैव भास्कर विद अस टुडे। हमारे साथ अपग्रोथ के टीम में से भास्कर है, जो डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सर्विसेज के एक्सपर्ट है। और अभी के टाइम में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे ले रहे हैं। आज हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो सर्विस है व्यासरा फाउंडेशन की, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन की, क्या है ये सर्विस है क्या? करेक्ट। सो थैंक यू, इट हैज बीन अ प्लेजर वर्किंग विद व्यासरा एंड व्यासराज देप्रेनर्स। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग एट अपग्रोथ, हम कुछ अभी 15-16 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग वेरियस फॉर्म में कर रहे हैं, बट मोस्टली हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करते थे। तो हमने फिर व्यासरा के साथ, हमें ये समझ में आया कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या कि जो लोकल बिजनेस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, उनको लोकल लेवल पे मार्केट करना होता है। टिपिकली आप अगर एक फार्मेसी चला रहे हो, और मान लीजिए अभी मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि लोग बहुत सर्च कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक शेवर्स, और अगर आपके फार्मेसी में है तो ये आप कैसे बताओगे लोगों को, कैसे कनेक्टेड रखोगे? तो ये हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया है जिसमें कि हम आपका आप चैनल्स सेलेक्ट कर सकते हो कि आप फेसबुक पे करना चाहते हो या इंस्टाग्राम पे करना चाहते हो या दोनों पे करना चाहते हो। तो इस पे हम आपसे समझेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, और एक एक्सपर्ट जो कि 10-12 साल से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, बहुत सारे बिजनेसेस का कर चुका है, वो आपके लिए प्लान बना के देता है आपको कि आपको क्या करना चाहिए। प्लान बनाने के बाद हमारी टीम आपके आपका जो सोशल मीडिया है उसको पूरा मैनेज करती है। मान लीजिए जब सोशल मीडिया या तो फेसबुक पेज हुआ या इंस्टा का हैंडल हुआ, उस पे हम जा करके उसका पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसे बूस्ट करते हैं कि आपको और ट्रैक्शन और ऑडियंस मिले। तो सोशल मीडिया पे हम इंडिविजुअली होते हैं, लेकिन बिजनेस जो है उसके लिए ये आपने जो डिटेल्स बोले उसके लिए प्लानिंग होना बहुत ही जरूरी लगता है मुझे भास्कर। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप जो सपोर्ट दे रहे हैं वो भी बहुत ही यूजफुल है। लेकिन कौन से बिजनेसेस के लिए ये यूजफुल रहेगा? अगर मेरा डांस क्लास है, नहीं तो मेरा कुछ म्यूजिक क्लास है, तो उनके लिए भी यूजफुल होगा? कैसा, किनको यूजफुल होगा? ये बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि अब देखिए, आप अगर आपका डांस क्लास है, आप स्टूडेंट्स, आप कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं? क्योंकि कस्टमर्स एक्वायर होता है आपके सक्सेसफुल स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट बाहर जाके कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से सीखा। तो हम एज अ सोशल मीडिया प्लान, हम आपका वो जैसे डांस क्लास है उसका हम प्रमोशन करेंगे कि उसका प्लान होगा कि आपके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कि प्रोस्पेक्ट्स जो मतलब अभी तक आपके कस्टमर नहीं है लेकिन आपके टारगेट ऑडियंस है, वो देख करके आपसे कनेक्ट करें। तो ये सारे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, सारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। बेस्ट पार्ट ये है आनंद के, ये जो जो एक्सपर्ट ये रन करेंगे आपके लिए, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए भी रन करते हैं। सो अच्छा, ये फ्रीलांसर्स नहीं है, हम ये एक्सपर्ट्स हैं जो कि और लोगों और बड़े बड़े ब्रांड्स का भी रन कर रहे हैं, और हमने ये पैकेज स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी बनाया है। बहुत ही अच्छा है भास्कर, मुझे लगता है कि सब स्मॉल बिजनेसेस ने ये फैसिलिटी यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें लगता है कि फेसबुक हमें मालूम है तो हम खुद ही कर पाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत सारी डिटेल्स है। एग्जैक्टली, तो हम अपना फेसबुक जैसे मैनेज करते हैं ना, वो टिपिकली हम एक क्वेश्चन आंसर करते हैं, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, कि भाई आई एम कुकिंग, मैंने खाना बनाया, मैंने केक बनाया, आज मैं आज यहाँ गया, मैं वो किया, ये हो गया आपका पर्सनल। लेकिन आपका बिजनेस को एक प्लान चाहिए, आपके बिजनेस को एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन चाहिए, वो एक प्रोफेशनल अच्छे से कर सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल है उसका काम ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अभी ये सर्विस आपको अवेल कैसे करनी है। आप एक एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है तो आप हमारे वेबसाइट पे आइए diasra.in, और वहां पे सर्विसेज सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके एक सर्विस है, तो उस पर आप क्लिक कीजिए।
वहां पे आपको एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, और जैसे ही आप वो फिल कर देंगे तो वो सबमिट करने से हमारी टीम से आपको एक कॉल आ जाएगा और वो आपके बिजनेस के बारे में जानकारी लेंगे, वो कंफर्म करेंगे आपके बिजनेस के बारे में, और फिर आगे वो हमारे जो सर्विस पार्टनर है उनके साथ में आपका इंट्रोडक्शन कर देंगे। जैसे ही आप हमारे सर्विस पार्टनर के साथ जुड़ जाएंगे तो वो आपको आपके बिजनेस के बारे में जानकारी लेके, आपको आपका बिजनेस समझ के, आपका जो सर्विस है उसके बारे में आपका डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो आपको इसके जो फीस है वो 3,600 रुपीज पे करने हैं। तो वो जो एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक का प्लेटफॉर्म होगा तो उसके लिए 3,600 है, अगर अलग प्लेटफॉर्म है मानो इंस्टाग्राम है तो उसके लिए आपको अलग 3,600 पे करने पड़ेंगे। और हमारा ऐसा रिकमेंडेशन है कि आप ये सर्विस 3 मंथ्स के लिए यूज करें, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल आपके बिजनेस के लिए और बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। आपके सोशल मीडिया मैनेजमेंट से आप अपने बिजनेस में जो ग्रोथ है उसके लिए आपको ये हेल्प होगा।